हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक रहें। अभी सुबह के बजे 5, तो मैं ऊपर घूम रही हूँ छत पे, तो आज बाहर नहीं गई मैं ऊपर ही, छत पे भी अंधेरा ही हो रहा है थोड़ा। और यहाँ पे मैं वॉक करते करते नीम का पेड़ लगा हुआ है बाहर, घर के बाहर, तो मैं यहाँ से ये तोड़ूंगी नीम और इसके मंजन करूँगी यहीं पे नीम से। मैं कभी कभी कर लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी सुबह सुबह। उसके बाद में मैं नहा धो के फ्री हो गई थी और यहाँ पे बच्चों का लंच पैक करूँगी। तो ये मक्खन बचा हुआ था थोड़ा सी, तो इसके पराँठे बनाऊँगी। और ये मक्खन वाली रोटी है, तो साहब को सुबह सुबह मैं दे देती हूँ, लेट जाते 7:30-8 बजे जब, तो गरम रोटी के साथ ही मक्खन अच्छा लगता है। और यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, तो लच्छा पराठा बना रही हूँ, तो ये मक्खन के साथ ही बना रही थी मैं। और ये भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, स्कूल में जब टिफ़िन में रख के भेजते हैं जब, और सुबह चाय नाश्ते में भी अच्छा लगता है, एक पराठा खा लेते हैं जब, तो मैं ये बना दूँगी पराठा एक बच्चों के लिए बना देती हूँ। और इस तरीके से बना रही हूँ मैं, सिंपल सी है और अच्छा भी लगता है। और इसको मैं अच्छे से घी लगा के सेकूंगी। तो मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। उसके बाद में मेरा है आज फास्ट, तो मैं कुछ भी नहीं बना रही। तो यहाँ पे छोटा वाला शिवम है, वो यहीं खा रहा है थोड़ा बहुत। तो देखिए कितना बढ़िया सी पराठा बन के, तो ये बहुत बढ़िया सी बन के तैयार हो गया पराठे। और बच्चों को मैं लंच पैक करके दे दी। और दिन में मैं गई मार्केट, तो मेरे को थोड़ा सामान लेके आना था, मेरे ब्लाउज़ वगैरह टुकड़े लेके आने थे। और यहाँ पे मैं काना का जो पैंट था स्कूल का, तो वो सिला नहीं लेके आई हूँ मैं, सिलवाना था, लेकिन मैं सोची उसमें टाइम लगता है थोड़ा सिलाने में, तो उसको चाहिए था। जो पहले पैंट था वो छोटा हो गया थोड़ा, तो मैं सिला हुआ ही लेके आई हूँ। और यहाँ पे लेस लेके आई थी, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं ड्रेस से सिलूँगी माता रानी के लिए। और यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ का और जो ड्रेस सिलूँगी मैं, उसके लिए लेस वगैरह लगाऊँगी, तो वो टुकड़े लेके आई थी। तो इस तरीके के हैं, वैसे मैं और लेके आऊँगी, अभी ये जितना था मेरे को वो लेके आई थी मैं, जो समझ में आया। वैसे मेरे को काना का पैंट लेना था, वो ज़रूरी था स्कूल के लिए, तो वो लेके आई थी। और ये ब्लाउज़ लेके आई हूँ मैं, और मेरे को मैरून कलर पसंद है, तो मैं ज़्यादा वो ही देखती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए। आज किस कौन सी चॉकलेट खाए थे? तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? चल कपड़े खोले। कानू दूध नहीं लेके आया? फिर जाए कब दूध लेने? और वो कहा है सब्जी? गाइस देखिए, मेरा फास्ट था आज एकादशी का, तो ये आटा लेके आया है। तो एक बात बताती हूँ आपको, ये स्कूल से आया है और काला लेके आया है, तो काला सामान भी लेके आया था, सब्जी और ये सामान। तो आज मेरा एकादशी का फास्ट था, तो इसको ये पता है कि कुत्ते का आटा लाना है। तो ये बाबू बोल रहे हैं शिवम कि कुत्ते का आटा है, तो मैं इसे पूछ रहा था कि ये कुत्ते का आटा क्या होता है। मैं बोली कुत्ते का आटा नहीं, ये कुट्टू का आटा है, जिसकी पूड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, फास्ट होता है जब एकादशी का। नहीं नहीं, अच्छा दुकान पे बोला होगा कि कुट्टू का आटा दे दो, तो ये सोचा कि कुत्ते का आटा ले रहा है। पैन और यहाँ मैं पराठे बना के रख रखी थी इनके लिए, तो गर्म ही अभी, तो पराठे खा लेंगे ये अभी स्कूल से आते सुबह। और इनके दिन के खाने के लिए भी मैं पराठे ही बना दी साथ में, तो पराठे खा लेंगे अभी भी आके। और यहाँ पे छाछ छाछ भी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है आज। सब्जी लिया
ला रहे हैं। और यहाँ पे शाम को मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरा फास्ट था एकादशी का, तो सावक की खीर बना रही हूँ मैं। तो थोड़े सी पानी में पहले मैं सावक को उबाल लूँगी, तो इधर गैस पे चढ़ा दी। और ये है कुट्टू का आटा, तो मैं कढ़ी बनाऊँगी इसके आटे की। तो छाछ के अंदर थोड़ा सी कुट्टू का आटा मिला दी, और यहाँ पे काली मिर्च कूटूँगी मैं, तो काफ़ी सारी मैं काली मिर्च कूट के रख लूँगी। और यहाँ पे घी गरम कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी मैं हरी मिर्च फ्राई करूँगी, तो ये भी अच्छी लगती है खाने में। तो बीज सारे में निकाल दी हरी मिर्च के, और उसके बाद में थोड़ा घी में फ्राई कर लूँगी। उधर खीर बन रही है, तो सावक के अंदर मैं दूध डाल दी, तो वो पकती रहेगी धीरे धीरे, और मैं खीर को धीरे धीरे पकाती हूँ। और इधर हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई होने के बाद निकाल ली, और घी में डाल दूँगी थोड़ी सी करी लिप्स और जीरा, और यहाँ पे आलू और मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि मैं कढ़ी के अंदर आलू डाल रही हूँ, तो जो कुट्टू के आटे की कढ़ी होती है उसमें डाल दूँगी। और ये हरी मिर्च के अंदर मैं काली मिर्च और सेंधा नमक मिला के रख दूँगी, तो ये भी अच्छी लगेगी खाने में थोड़ी। और इधर आलू फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर, और हल्दी और सेंधा नमक काली मिर्च डाल दूँगी मसाले में, और अच्छे से इसको थोड़ा चला के, और इसके अंदर जो छाछ के अंदर मैं कुट्टू का आटा मिलाई थी वो डाल दूंगी, तो ये बहुत ही अच्छी सी खड्डी बनती है। तो ये जब तक उबाल आएगी इसको मैं पकाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, और यहाँ पे खीर को भी चलाती रहूँगी ताकि लगे नहीं। और थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाई थी खड्डी। और ये मखाने हैं तो मैं खीर में डाल दूंगी, तो सावक की खीर में मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी सावक की खीर बनाएं मखाने ज़रूर डालें। और इधर है जो उबाल आ चुकी कढ़ी में वो पक रही थी, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी केसर डाल दूंगी खीर के अंदर, और कढ़ी को काफ़ी देर तक पकाऊंगी मैं। तो ये देखिए मैं डाल दी इसके अंदर अच्छे से, मैं थोड़ा गाढ़ी अच्छी लगती है खीर, तो इसको पकने दूंगी। और यहाँ पे कढ़ी भी बन के तैयार है, आलू बढ़िया सी इसमें बन गए हैं, कच्चे नहीं है, पक गए अच्छे से। और ये कुट्टू के आटे की रोटी बनाऊंगी मैं, तो एक रोटी बनाऊंगी, और जैसे सेंधा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके आटे को, और एक रोटी बनाऊंगी। और ये बेलती तो है नहीं, तो बाजरे का जो रोटी बनाते हैं वैसे ही इसको बेलते हैं हाथ से, तो थोड़ा सी सूखा आटा लगा के और कुट्टू की रोटी बना लूँगी आटे की, और इसको धीमी धीमी आंच पे सेकूँगी, और थोड़ी देर तवे पे सेकूँगी मैं इसको पलट पलट के। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है रोटी ये। और हलवा खाने की ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं थी, मीठा खाने की ना फ्रूट खाने की इच्छा थी, तो ऐसे लगता है ना कि अपन रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इसलिए रोटी जिसे पेट भर जाता है और अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे मैं रोटी को अच्छे से सेक के निकाल ली, और इधर आना तो मैं घी में भी बनाऊँगी, तो इस तरीके से अच्छे से हाथ से पतली सी रोटी बनाऊँगी, और इसको घी लगा के जैसे पराठे बनाते हैं वैसे बना लूँगी। और मैं सारा सामान हटा के जो भी आटा होता है उसको एक साइड करके साफ़ सफाई करके फिर मैं खाना बनाई थी, क्योंकि सुबह बच्चों का भी खाना बना था। और ये देखिए मैं घी लगा लगा के अच्छे से इसको सेकूँगी, और ज़्यादा तेज़ अगर गैस पे सेकते हैं ना तो ये जल जाता है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकता है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं धीरे धीरे गैस पे इसको स्लो गैस पे सेक के तैयार करूँगी। और यहाँ पे आलू कद्दूकस करी हूँ एक, और एक हरी मिर्च है, और थोड़ा सी आटा था कुट्टू का, और यहाँ पे काली मिर्च सेंधा नमक डाल दी, और इधर ये सिकती रहेगी। तो दो बनाई थी घी के अंदर, और ये टिक्की बनाऊँगी मैं जैसे आलू की टिक्की बनती है वैसे, तो थोड़ा सी इसमें पानी डाल के थोड़ा सी पतला करूँगी इसको, तो ये छोटी छोटी दो टिक्की बन जाएगी। और इसकी जो टिक्की है ना बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, और बिल्कुल आसानी से बन जाती है, और फास्ट में बहुत ही अच्छी रहती है, टेस्टी भी बहुत अच्छी लगती है, ये टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं फैला के हाथ से पतला पतला
और इसको पलट लूँगी। और ये आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती क्योंकि कुट्टू का आटा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और इसको भी मैं सेक के तैयार करूँगी और घी में सेक लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी सी टिक्की बनती है ये आलू की। आलू जो कद्दूकस करे हुए हैं वही डालें तो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो पक जाते हैं जल्दी से। वैसे उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कद्दूकस करके डाली हूँ। और इसमें काली मिर्च ज़्यादा डाली हूँ मैं टिक्की में। तो ये बनके तैयार है। ये देखिए जो घी के अंदर रोटी बनाई थी वो भी सिक गई है। तो ये देखिए साबूदाने की खीर मखाने वाली और बहुत टेस्टी लगती है मखाने से। इधर कढ़ी है और ये है टिक्की, राजमे की टिक्की। और यहाँ है रोटी, तो रोटी में घी नहीं लगाई, मेरे को बिना घी वाली अच्छी लगती है रोटी। और ये है पराठे, मान लो है पूड़े मान लो तवे पे घी में सिके हुए। और ये है, और ये हरी मिर्च के अंदर मैं सेंधा नमक काली मिर्च डाली हूँ तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है तो इसलिए मैं काली मिर्च डाली हूँ। और ये एकादशी फास्ट के लिए बन के तैयार है थाली, टेस्टी सी और हेल्दी भी है और बहुत अच्छी लगती है ये, और पेट भी इस पर भर जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए इस तरीके से।